नमस्कार, मैं अनिता राजौरिया, प्रवक्ता सीडीडीएम डीडब्ल्यूपीसी बीकानेर। टॉपिक है ट्राइंग एंड फिटिंग। ट्राइंग का मींस अपने ड्राफ्टिंग एंड गार्मेंट कंस्ट्रक्शन में अर्थ है परिधान को आधा या पूरा सिलकर व्यक्ति को पहनाकर फिटिंग की जांच करना। इस मेथड को हम हमेशा कीमती परिधानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोट, शेरवानी, कोई डिजाइनर ड्रेसेस, या हम कोई नवीन डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। इससे हमें फिटिंग की प्राप्त होती है। फिटिंग का हमारे गारमेंट कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा रोल है। यदि गारमेंट में फिटिंग नहीं हो तो ना तो वो देखने में अच्छा लगता है, ना बॉडी को कम्फर्ट मिलता है, ना हमारा व्यक्तित्व आकर्षक लगता है। यदि हमने बहुत बहुमूल्य परिधान पहना भी है तो उसका कोई प्रभाव नजर नहीं आता, व्यक्तित्व में कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं आता और उसमें लगा हुआ समय और मेहनत सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, उसकी लागत व्यर्थ हो जाती है। फिटिंग में क्यों कमी आती है, उसके कई कारण हैं, जैसे व्यक्ति विशेष की बनावट का सही अनुमान न लगा पाना। जब हम कोई गारमेंट बना रहे अपर या लोअर, उसके लिए जो आवश्यक शेप या नाप है हमने या तो प्रॉपर नहीं ली, या जिस तरह से हमें गारमेंट बनाया जाना है उस समय हमने व्यक्ति की जो बॉडी है उसको ठीक ढंग से निरीक्षण नहीं किया। व्यक्ति विशेष का ऐसा मान आकृति सभी देखते हैं कि हम सभी मनुष्य नॉर्मल नहीं होते, ये हमारे गारमेंट कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बता रहे हैं कि कोई ना कोई नाप में अंतर होता है उनकी, या कोई बनावट में अंतर होता है। ये बनावट में अंतर हमें देखते हैं कई बार होता क्या है, ये हमें बस्ट पे दिखाई देता है, चेस्ट पे दिखाई देता है, शोल्डर्स पे दिखाई देता है, हमारे पेट वाले पोर्शन या वेस्ट पोर्शन पे दिखाई देता है, लेग्स में दिखाई देता है, किसी भी पार्ट में हम देख सकते हैं कि व्यक्ति चाहे सामान्य हो और कोई भी एक कमी या कोई उसकी बनावट में अंतर दिखाई दे रहा है तो हम उसको असामान्य आकृति का मानते हैं, जिसे एबनॉर्मल फिगर कहा जाता है। कई बार होता है व्यक्ति की रुचि पसंद को हम समझ नहीं पाते और जब गारमेंट बन जाता है तब वो व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं होता। इसका एक कारण और है कि हमारे कार्य अनुभव में कमी, हम केवल अपने थ्योरेटिकल जो नॉलेज है तो उस पर ही काम करते रहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की हमारे में कमी होती है, क्योंकि हमें उसको थ्योरी बेस्ड फॉर्मूलाज को हमें प्रैक्टिकल बेस पे लाना पड़ता है, बॉडी को देखते हुए उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जो हम यदि नहीं करते हैं तो भी उसमें गारमेंट में फिटिंग की कमी आ जाती है। अब हम देखते हैं कि गारमेंट कौन से होते हैं जो हम इस पर इनको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। कोट, शेरवानी और जो फैंसी ड्रेसेज है उस पर तो उसका इसको इस ट्राइंग मेथड को अप्लाई किया जाना ही जरूरी होता है। अब कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम इसको सक्सेस या सफल बना सकते हैं। सबसे पहला होता है कच्ची ट्राई, टेम्परेरी ट्राई। इसमें होता है कि जब हम गारमेंट्स बना रहे हैं तो उनके जितने भी पार्ट्स हैं गारमेंट के उसको हम बास्टिंग के माध्यम से मतलब कच्चे टाके से जोड़कर व्यक्ति को पहनाकर देखते हैं कि उसके बस्ट पे, आर्मोल पे, नेक पे, या कहीं खिंचाव या कोई टेंशन या कोई फोल्ड्स, ये इस तरह का तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। यदि दिखाई देता है तो हम उसको मार्क करते हैं और उसको मार्क करके फिर उसमें इसको प्रॉब्लम को रिमूव करके फिर उसको पक्का करते हैं। टेम्परेरी या परमानेंट में होता है कि इस मेथड का इसलिए अप्लाई करते हैं, कुछ हमें लगता है कि इसको पहले कच्चा कर लिया जाए, जहाँ पर प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है तो उस पार्ट को हम पहले कच्चा कर लेते हैं, और जहाँ आने की संभावना है उस जहाँ आने की संभावना नहीं होती वो स्थान तो पक्का कर लेते हैं। जैसे आपको अपने वो सभी को पता है गारमेंट से कई पार्ट होते हैं, उसके हिसाब से हम कुछ पक्का और कुछ कच्चा करके उसको हम अपनी बॉडी पे या किसी जिसके लिए बना रहे हैं उस पे या हम ड्रेस फॉर्म पर उसको चेक करते हैं। परमानेंट या फाइनल पक्की ट्राई उसको कहते हैं, ये बहुत अनुभव के बाद आती है और ये प्रोफेशनली इसको यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही मतलब परफेक्ट लोगों की वो होती है कि निशानी होती है कि वो जो भी काम करते हैं उसे परफेक्ट करते हैं ये टेलरिंग में। तो इसमें व्यक्ति को बिल्कुल सावधानी से निरीक्षण किया जाता है, उसकी हर बनावट को ध्यान से देखा जाता है और उसके आधार पर एक बार में ही गारमेंट को सिलकर फिनिश कर दिया जाता है। उस इस तरह से ये परमानेंट फाइनल ट्राई कहलाती है। इसमें किसी कच्चे या कच्चे पक्के ट्राई की आवश्यकता नहीं होती, ये फाइनल शुरू से ही फाइनल के तरीके से इसमें कार्य किया जाता है और उसे पूर्ण किया जाता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं इस ट्राइंग के, कि हमें
फिटिंग में उचित फिटिंग की प्राप्ति होती है, कीमती परिधान में हमें लागत का सदुपयोग मिलता है, असामान्य आकृति की जो परिधान है उनके निर्माण में हमें लाभ मिलता है, डिजाइनर में नवीन डिजाइनों के सृजन में हमें लाभ मिलता है, और व्यक्ति विशेष और वह स्वयं को हम संतुष्टि प्राप्त होती है। अब बात की जाती है इसे गारमेंट में हम कैसे अप्लाई करें, कैसे इसके स्टेप्स में काम करें। सबसे पहले होता है हम शोल्डर, जैसे फर्स्ट है स्टेज की कि हमको शोल्डर्स, शोल्डर पार्ट और प्लस साइड पार्ट्स को बास्ट करके चेक कर लेना चाहिए कि कहीं हमारे बस्ट, आंगूल या नेक पे कोई खिंचाव या साइड में कोई खिंचाव या टेंशन या फोल्ड्स तो नहीं आ रहे। इतना कच्चा करके हम इसको नेक के, आंगूल के और चेस्ट की पोजिशन को देख लेते हैं। ये जब सारे ये वाले स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं हम इसको पक्का कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम नेक और स्लीव वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें हम नेक, चाहे नेक लाइन हो चाहे कॉलर्स हो, उसको हम बास्टिंग के माध्यम से लगाते हैं और फिर उसकी फिटिंग देखते हैं। ऐसे ही आर्म होल पे स्लीव को अटैच करते हैं और उसकी फिटिंग देखते हैं। जब लगता है हमें पूर्णतः बिल्कुल सब कुछ ठीक है तो हम उसको पक्का करते हैं। यदि कोई दोष आ रहा है तो फिर वहाँ मार्किंग करते हैं और उसको रिमूव करके उसको फिर पक्का करते हैं। थर्ड स्टेज में हम लेते हैं पॉकेट्स और हेम की पोजिशन या कोई और हमारे कोई डेकोरेटिव वर्क है जो हम उसको अप्लाई कर रहे हैं उसकी सारे की वो देखते हैं फिनिशिंग और वो उसकी पोजिशन। उसको यदि हमें लगता है वो करेक्ट है तो उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। ये हम सभी जान गए हैं कि या तो इसको डमी पे चेक कर सकते हैं, फिर इसको ट्राइंग को, या हम पर्सन के हिसाब से कर सकते हैं या स्वयं पर। इसके लिए हमें आवश्यकता होती है मिरर्स की। मिरर लग दो मिरर की आवश्यकता तो होती ही है और शोरूम्स वगैरह में हम देखते हैं ट्रायल के लिए तीन मिरर्स होते हैं, हमको तीनों तरफ से अपना गारमेंट की पूरी फिटिंग दिखाई देती है। इस तरह से हम उसको फिटिंग को कर सकते हैं। अब फिटिंग जब हम ये ट्राइंग मेथड करते हैं तो हमें कुछ टूल्स की या कुछ सामान की भी जरूरत होती है, तो हमारे पास उस समय होनी चाहिए, जैसे इंस्टेट, चॉक, पेंस और बास्टिंग के लिए थ्रेड्स और निडल, उस समय जरूरी होता है। यदि हमारे पास होता है तो हम इस काम को आसानी से कर लेते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप हम अपने कार्य को पूर्ण करते हुए फिटिंग की प्राप्ति करते हैं। हम अब सभी ने देखा कि हमारे ड्राइंग गारमेंट कंस्ट्रक्शन में कितनी महत्वपूर्ण है और उसे किस स्टेप्स में और किस मेथड से किया जाना चाहिए, ये हम अपने गारमेंट की उसके प्रकार के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं और अपने काम को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।